epithelial tissue we discussed. Now today we will discuss about muscular tissue, the second tissue, that is the muscular tissue. Right, muscular tissue. What do you mean by the muscular tissue? अब बहुत सारी चीजें हैं आपकी बॉडी में, मसल्स हैं, मसल्स जो हैं दे वर्क. कुछ आपके जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो आपकी मर्जी से काम होते हैं, ठीक है. एंड सम ऑफ दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है. सपोज आई एम मूविंग माय हैंड, दिस इज माय विल. इफ आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, दिस इज माय विल. इफ आई एम स्पीकिंग, इट्स माय विल. दैट मीन्स जो काम मेरी मर्जी से हो रहे है ना, सम ऑफ द बॉडी जो जो है टिश्यूज है दे वर्क अकॉर्डिंग टू माय विल, अकॉर्डिंग टू माय चॉइस. बट सम ऑफ दीज टिश्यूज आर नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू माय विल, ठीक है. सबसे मेन एक आपके पास आ जाता है हार्ट टिश्यूज, कार्डियक, हार्ट में, वो आपकी मर्जी से नहीं है. कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है. हमारी बॉडी में व्हेन वी आर ईटिंग फूड, ठीक है, इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है, दैट इज कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे फूड नीचे जाता है, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर विल, ठीक है. तो अलग अलग जगह पे दैट द मसल्स दे बिहेव लाइक, सम ऑफ द मसल्स muscular tissues may, some of these they will work according to our will and some will work according, matlab not according to our will, theek hai. isme aapne kaha tha ki muscular tissue is divided into three types, iski sub parts jo hain three types hain. kon kon si kari thi humne? striated muscle, unstriated muscle and cardiac muscle. you can do in a alag alag bhi kar sakte ho, you can do in a comparison form. You can write in your notebook in the comparison form also, and you can write separate points also. It's up to your wish. If you want to write the striated muscle, unstriated, cardiac separately, or you can make a comparison form so that you can learn the points easily. Right? चलिए, let's start with the muscular tissue. सबसे पहले हमारे पास हो गए muscular tissue. I am saying ये voluntary भी हो सकते हैं, involuntary भी हो सकते हैं, cardiac भी हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट वन जो हमारी मर्जी से काम करे, एंड द अदर वन दैट विल नॉट वर्क डू वर्क अकॉर्डिंग टू आर चॉइस, तो दैट इज नंबर वन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू. आई एम अगेन रिपीटिंग, यू कैन राइट इन अ कंपैरिजन फॉर्म ऑल्सो. स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, कार्डियक तीनों इकट्ठे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर लो, चाहे आप लाइंस लगा लो. एंड एज आई एम डिस्कसिंग तो आप बाद में साथ साथ में लिखते जाना. राइट, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है जी. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल. देखो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भी लिख सकते हो. बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अभी लर्न हो जाएगा. स्ट्राइटेड वर्ड एंड स्केलेटल, ठीक है जी, दोनों वर्ड्स अपने मीनिंग्स दे रहे हैं. स्ट्राइटेड मींस स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस मींस कहीं कहीं लाइंस होंगी, कहीं नहीं होंगी. राइट, स्केलेटल जो हमारे स्केलेटल के साथ अटैच्ड है, दैट मींस आई एम मूविंग, दैट इज द स्केलेटल, ठीक है. दीज आर कॉल्ड द स्केलेटल टिश्यूज आल्सो, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू एंड स्केलेटल टिश्यू, ठीक है जी. एक आपका पॉइंट हो गया, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल टिश्यू. आप इसको नंबर वन भी लिख सकते हो, ठीक है. सेकेंड वर्ड आई एम सेइंग स्ट्राइटेड, दैट मीन्स राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट. Dark and light bands are present. बात समझ आ गई बच्चे, दोनों lines का meaning clear हो गया. Also called, you can write also called skeletal muscles or skeletal tissues, and dark and light bands are visible. ठीक है जी. अब थर्ड पॉइंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड.
मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स मैनी सेल्स. अब हम इसको मैनी सेल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज द बैंड ऑफ द सेल्स. लाइक इसमें अलग अलग मस्कुलर बैंड है, काफी सारे मसल्स आपस में जुड़ के एक बैंड बनाते हैं. अच्छा, डोंट स्पीक नॉइज धैर्य, म्यूट योरसेल्फ. बट मल्टी न्यूक्लिएटेड वर्ड वाई वी आर यूजिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में नंबर ऑफ मस्कुलर मतलब अलग अलग बैंड जो है एक के साथ एक जुड़ गया, एक के साथ एक जुड़ गया. तो एक ये देखो, एज आई एम सेइंग ये एक है, ये दो है, ये तीन, ये तीनों जुड़ गए, है ना. अब इन तीनों का अपना एक एक सेल होगा, ठीक है, और तीनों में एक एक टिश्यू होगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड. ओके, ठीक है जी. मैनी न्यूक्लियाई, सॉरी. ओके बेटा, दिस पॉइंट इज क्लियर. देन राइट डाउन अनब्रांच्ड. अनब्रांच्ड होते हैं विद ब्लंट एंड्स. यू कैन राइट विद ब्लंट एंड्स. ओके, स्ट्रक्चर के पॉइंट्स है. सॉरी बच्चे, मैम ये स्ट्रक्चर के पॉइंट्स है. हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रक्चर. ठीक है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है जी, बैंड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे वाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल टिश्यू. तो हम इसका रीजन भी लिख सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड द स्केलेटल टिश्यू. क्यों कहते हैं, एज दे आर अटैच टू द बोन्स. ब्रैकेट में लिख लो, एज दे आर अटैच्ड टू द बोन्स, इसलिए हम इनको स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं. ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है? स्ट्रक्चर में एनीवन? ओके, नाउ लोकेशन. कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? बिकॉज दे वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल. तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? एनीवन कैन टेल कहाँ प्रेजेंट होंगे ये स्केलेटल टिश्यूज? आर्म्स, बो, मतलब ये हो गया लेग्स. हाँ जी तितिक्षा. मैम लिम्स में. लिम्स, लिम्स मींस द आर्म्स एज वेल एज द लेग्स. मैं बोल रही हूँ, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू माई विल. टंग, ठीक है. सो राइट डाउन द लोकेशन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल्स. प्रेजेंट इन बॉडी वॉल्स, लिम्स. लिम्स मतलब, ठीक है, फोर लिम्ब एंड लेग्स वाली हिंड लिम्स. टंग, ठीक है. दीज वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल. इवन एक और सबसे सिंपल एक एग्जाम्पल दू. आई एम सेइंग इसोफेगस में हमारे पास दैट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल, है ना, वो हमें पता है. ठीक है, वीडियोज ऑन करो, स्विच ऑन योर वीडियोज. हरी अप बेटा, स्विच ऑन योर वीडियोज. हरी अप, थैंक यू जिया जानवी अर्शदीप. हरी अप, स्विच ऑन योर वीडियोज. यस, अब मेरे को बताओ, व्हेन वी यूज टू टेक मेडिसिन, हम मेडिसिन खाते हैं. समटाइम वी यूज टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन अंदर चले जाती है, समटाइम वो बाहर आ जाती है. आती है, इट हैपन्स, है ना. टिप ऑफ द इसोफेगस, टिप ऑफ द इसोफेगस इज द स्ट्राइटेड मसल जो हमारी मर्जी से काम करता है. बिकॉज इफ वी वॉन्ट तो वो चीज अंदर जाएगी, नहीं तो आप बाहर निकाल देते हो. सो एक लोकेशन और लिखो, टिप ऑफ इसोफेगस. ठीक है जी,
अब इनके फंक्शंस, व्हाट दे विल डू, नेचुरली दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल, मूव अकॉर्डिंग टू आर विल, दैट इज द मेन फंक्शन. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, फंक्शन लिख दो नीचे. ठीक है, नीचे लिख लो फंक्शन. दैट इज मूव्ड एट आर, या वर्क्ड अकॉर्डिंग टू आर विल, मूव्ड एट आर विल, सो दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. विजिबल है? हाँ. सो दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. इज इट क्लियर बेटे टू एवरीवन? नाउ डायग्राम बनाएंगे इसका हम. यही ड्रॉ कर दूं साथ पे? ये देखो, विजिबल इज इट, इट इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस, ओके. नाउ लुक, फर्स्ट पॉइंट वी हैड रिटन, मतलब इसमें एक डार्क एंड लाइट बैंड एंड बैंड लाइक स्ट्रक्चर. इट इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है, वेट, मैं यहां से रब भी करती हूँ, अगेन आई विल टेक सो दैट विजिबल हो जाए. ये देखो, बैंड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ओके, बैंड लाइक स्ट्रक्चर. स्ट्राइएशन वर्ड्स वी हैड रिटन, दैट मीन्स वी विल मेक द स्ट्राइएशंस. It's not, the position is not fixed. You can make randomly striations, that you can make random striations. ठीक है, it's a band like structure. Dark and light bands are present. ठीक है, ये आपका हो गया muscular band. This is muscular band. यहां पे है ये डार्क बैंड्स. ठीक है, स्ट्राइएशंस डार्क एंड लाइट. ये जो खाली स्पेस है, दिस इज लाइट बैंड. ओके, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स. ठीक है, अभी हमने कहा कि जो मस्कुलर बंडल है, दैट इज द, मतलब उसके अंदर डिफरेंट मसल्स अटैच्ड हैं. ठीक है, बंडल है, मसल्स बंडल है इसके अंदर, इस बैंड के अंदर मस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. तो दैट मींस इसके अंदर इस तरह से बंडल्स प्रेजेंट है. मतलब अगर मैं एक ओवरव्यू दूं, यानी कि ये वाला जो बैंड है ना, यहां पे ये है ऐसे, इसके अंदर छोटे छोटे, लाइक ऐसे हमने ये बनाए, ये मैं बना रही हूं, इतनी चीजों के अंदर मसल्स है. यानी कि अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ये ऐसे नजर आएगा ना मुझे, ऐसे नजर आएंगे, ऐसे नजर आएंगे ना ये. यानी कि ये कितने सारे मसल्स जो है, मस्कुलर जो है, आपस में मसल्स जो बैंड है जुड़ के, ये यहां पे आपको ये विजिबल हो रहा है, इसके अंदर ये बैंड्स है. अब अगर ये इतने सारी चीजें एक के अंदर है, तो why we are saying the multinucleated? हमने कहा ये multinucleated है क्योंकि इसके अंदर एक ये है, इसका अपना न्यूक्लियस, दूसरे का अपना न्यूक्लियस, तीसरे का अपना, है ना. दैट्स why we are saying multinucleated. पॉइंट्स क्लियर हुए? जिया, जानवी, कृति, क्लियर कि why we are saying multinucleated? ठीक है, क्योंकि हर किसी का नंबर ऑफ द सेल्स है मस्कुलर जो उसमें जुड़े हुए हैं, एंड दे आर हैविंग, ईच वन इज हैविंग न्यूक्लियस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड.
ठीक है, इसके अंदर ऐसे बना लो, हाँ जी बेटे। मैम हमने लाइट बैंड कहाँ पर वो किए हैं लेबल? कोई भी, ये बीच में खाली जो स्पेस है जहाँ पे कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड लाइट बैंड। और मैम ये जो अपने लाइंस हैं वो सारे डार्क बैंड हैं? जितनी स्ट्राइएशंस हैं वो डार्क बैंड्स हैं। ओके ठीक है, अब यहाँ पे एक मसल को बाहर निकाल के दिखा देते हैं हम, लाइक दिस, ऐसे। ये सिर्फ एक को बाहर खींच दिया, मतलब अगर हमने ऐसे ये चॉक्स पकड़े हैं, ठीक है, तो ये चॉक्स पकड़ने पे मैंने एक चॉक को बीच में से खींच दिया, ठीक है। तो बट आई एम शोइंग, लुक हियर, दिस वन, दीज आर हैविंग देयर ओन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स लाइक। तो ये हमारे पास इस तरह से शो कर दिया मैंने, रेड और ब्लू बना दिए, वो मसल्स के साथ बना दिए, दैट इज मस्कुलर बंडल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मस्कुलर सेल, एक सेल को बाहर निकाल के दिखा दिया। ये हमारे पास क्या हो गए, मस्कुलर बंडल, ये मस्कुलर बंडल हो गया। और एक मसल जो मैंने आपको सेल दिखाया, उसके पास ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज आर्टरीज एंड द वेन्स। इज दिस डायग्राम क्लियर और एनी डाउट? न्यूक्लिएटेड, सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड वी टॉक, बट ड्रॉ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी लेबल कर लीजिए। ओके, डन बेटे। वी कैन राइट डाउन, इसको हम ब्लड वेसल्स भी लिख सकते हो आप, ये जो मैंने साइड पे बनाए हैं, इफ यू वॉन्ट टू लेबल इट। एनी डाउट टू एनी वन? मस्कुलर बंडल जो है, दैट इज अ स्केलेटल और स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, इसमें बहुत सारे मसल्स, मस्कुलर सेल्स आपस में ज्वाइन करके एक बंडल बनाते हैं। उस बंडल में से एक को बाहर शो करके दिखा दिया, ये जितने मस्कुलर बंडल मतलब ये हैं, इनमें से एक को दिखा दिया, तो हर एक के हिसाब से अंदर न्यूक्लियस विल बी देयर, डार्क बैंड्स आर देयर अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, स्ट्राइएटेड, दैट मीन्स स्ट्राइएशंस, डार्क एंड द लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। एनी डाउट टू एनीवन? मैम, हां जी चैतन्या मैम, ये कॉपी पे बनाना है? क्या कह रहे हो, कॉपी पे बनाना है? हां जी, हां जी, बिल्कुल बनाना बेटा, बिल्कुल बनाना बच्चे, वट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू। ठीक है, करें आगे। मे आई इरेज दिस वन? राइट, राइट डाउन द सेकेंड मस्कुलर टिश्यू, दैट इज द अनस्ट्राइएटेड। देखो वर्ड अपने आप ही बता रहा है, वहां स्ट्राइएटेड था, अनस्ट्राइएटेड मतलब नो स्ट्रिएशंस, नो डार्क एंड द लाइट बैंड्स आर देयर। सेकेंड लिखो, unstriated, muscular tissue, ठीक है जी। इसका दूसरा नाम क्या है, unstriated muscular tissue को हम बोलते हैं, ठीक है, smooth muscles और involuntary, these are also called smooth muscles, ठीक है। दे विल, दे डू नॉट, या दे विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल, सो दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है, आपके सामने ये स्ट्रक्चर के पॉइंट क्या हैं, ठीक है। पहला हो गया कि दे आर स्मूथ मसल्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नो डार्क एंड लाइट बैंड्स, नो डार्क एंड लाइट बैंड्स, या नो स्ट्राइएशंस आर देयर, no dark and light bands are present या visible, ठीक है।
अब नेचुरली दीज आर नॉट द बंडल ऑफ द सेल, तो एक ही है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड, इट इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स सिंगल सेल, यूनिन्यूक्लिएटेड, ये सिंगल सेल्स हैं, ठीक है। इनकी जो शेप होती है स्पिंडल शेप्ड सेल, स्पिंडल शेप सेल्स, दैट मीन्स पॉइंटेड, मतलब पॉइंट होते हैं, पॉइंटेड एट द एंड्स, एंड्स पे, जैसे वो ब्लंट एंड्स थे ये पॉइंटेड होंगे, दीज आर हैविंग द पॉइंटेड एंड्स, एग्जैक्टली बहुत बारीक नहीं होते, तो यू कैन राइट स्पिंडल शेप सेल, ठीक है जी। उसमें और क्या लिखा था हमने, ब्रांच्ड, यहाँ पे अनब्रांच्ड, वहां पे भी हमने क्या लिखा था, अनब्रांच्ड, यहाँ पे भी अनब्रांच्ड, ये दोनों अनब्रांच्ड हैं, इनकी कोई आगे ब्रांचिंग नहीं होती। लोकेशन क्या होगी, कहाँ प्रेजेंट है, अभी हमने कहा एलिमेंट्री कनाल में, यानी कि ईसोफेगस में पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, वो आपकी मर्जी से नहीं होती, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। यू कैन राइट इन द ब्रैकेट पेरिस्टालिक मूवमेंट, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल, तो यू कैन राइट, ठीक है। आयरिस ऑफ द आई, आईज के आगे वाला जो आयरिस है वहां पे है, आयरिस ऑफ द आई, राइट। और कहां प्रेजेंट होते हैं, इन यूरेटर, इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, इन यूरेटर, इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ये यहाँ पे इनकी प्रेजेंस होगी, बिकॉज दे विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल। ठीक है, फंक्शन लिखो इसका, देयर मूवमेंट इज नॉट अंडर आर कंट्रोल, देयर, यहां लिख रही हूं मैं फंक्शन, देयर मूवमेंट इज नॉट under our will, so cannot stop or start, stop or start their action, हम इनके actions को start नहीं कर सकते, we cannot start and stop their actions, okay। किसी को डाउट है बेटा, डायग्राम बना ले, फिर इफ एनीवन इज हैविंग डाउट तो यू कैन आस्क। मेक अ बॉक्स लाइक दिस, स्पिंडल शेप्ड हैं, लाइक दिस, यहीं से दूसरा स्टार्ट कर लो, लाइक दिस, दीज आर स्पिंडल शेप, बॉक्स छोटा ही बनला, आप थोड़ा बड़ा बना लेना, मैंने बॉक्स छोटा बना लेना, या इसको बड़े कर लेना, बहुत ज्यादा मत बनाना, मैं इसको छोटा ही कर रही हूँ, ठीक है।
ठीक है। अब ये अलग अलग हैं, दीज आर नॉट ब्रांच्ड, तो हर किसी का अपना सेल है यहाँ पे, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, राइट, इसमें जो साइटोप्लाज्म है, देन वी विल नॉट से द साइटोप्लाज्म टू इट, हम इसको साइटोप्लाज्म नहीं कहते, वी यूज द अनदर टर्म हियर, आई एम टेलिंग यू द टर्म विच, इसमें स्ट्राइएशन मतलब स्ट्राइएशंस नहीं, ऐसे यहां पे आपने लाइंस लगा लो, ओके है, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, बस इतना ही कर लेते हैं, ये जो मैंने बीच में लाइंस बनाई है ना, दीज आर कॉल्ड मियोफिब्रिल्स, दीज आर कॉल्ड मियोफिब्रिल्स, और जो हमने एक वाले की वो लेप करी है, दैट इज कॉल्ड द सार्कोलेमा, मतलब जो उसकी मेम्ब्रेन है, जैसे प्लाज्मा लेमा वैसे हम इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, एंड द साइटोप्लाज्म की जगह पे सार्कोप्लाज्म, वी आर सेइंग सार्कोप्लाज्म, न्यूक्लियस आप लेबल कर लेना, एक और पार्ट न्यूक्लियस, दिस इज द स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू।